तो देखिए इसी कंपोनेंट वेक्टर का यूज हम इंक्लाइंड प्लेन पे भी करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कंपोनेंट वेक्टर एट इंक्लाइंड प्लेन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कि हमें ये एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, ऐसा ऐसा एक प्लेन दिया हुआ है। यहां अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि हेयर वी हैव द बॉडी, यहां पर एक बॉडी रखी है, ये एक बॉडी है, तो अगर मैं इस प्लेन के ऊपर इस बॉडी को रख दूं तो अभी बता सकते हो ये बॉडी नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी या क्या होगा इस बॉडी का? तो ये बॉडी नीचे जाती है। तो हम अमूमन देखते हैं कि अगर ये बॉडी हमने इस इंक्लाइन प्लेन पर रखी तो ये बॉडी क्या होती है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में क्यों आगे बढ़ती है? तो इसका आंसर है कि हमें पता है कि पक्का इस बॉडी पर कोई फोर्स लगी होगी। तो ये फोर्स किसने लगाई? तो आंसर है फोर्स ग्रेविटी ने लगाई। किसने लगाई? ग्रेविटी ने। तो अगर हम बात करते हैं कि ग्रेविटी फोर्स कहां लगाती है, तो आंसर है इस बॉडी का मास एम है और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? आंसर है इस डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी ने फोर्स इस बॉडी पे कहां लगाई? इस डायरेक्शन में। तो अगर ग्रेविटी इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो एक्चुअली इस बॉडी को कहां चलना चाहिए? इधर चलना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो बॉडी कहां चलेगी? इसी डायरेक्शन में तो चलेगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी इस डायरेक्शन में चलेगी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में फोर्स का इफेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन भी होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स लगा रही है तो इस बॉडी को नीचे चलना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में क्यों चलती है? तो इसका आंसर यह है, ये बॉडी पक्का हमें समझ में आता है इस डायरेक्शन में इसलिए चलती है क्योंकि इस ग्रेविटी का इफेक्ट पक्का इस डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ होगा। अगर इस बॉडी पे ग्रेविटी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो इस फोर्स का इफेक्ट अपने इस वाले डायरेक्शन में भी पक्का दे रही है, जिसकी वजह से इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, नेट फोर्स लगे तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये कितनी फोर्स है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, तो अगर इस वाली फोर्स का इफेक्ट मुझे इस डायरेक्शन में निकालना है और इस डायरेक्शन में निकालना है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ फिजिक्स में, मैं कंपोनेंट वेक्टर बनाने जा रहा हूँ। मैं इस वाले वेक्टर को दो डायरेक्शन में तोड़ने जा रहा हूँ, तो मतलब मैं इस वेक्टर को रिजोल्व करने जा रहा हूँ, और रिजोल्व करके मैं क्या बनाऊंगा, इसके दो कंपोनेंट बनाऊंगा, और ये कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, इसके कंपोनेंट वेक्टर कहलाते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहता हूँ ये इंक्लाइन प्लेन, इसके साथ एंगल कितना बनाता है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो हम ये ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए जरा छोटी सी कैलकुलेशन। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल कितना है, सपोज टू बी अल्फा है, तो हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। कैसे? अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आंसर है 90 माइनस थीटा होगा। भाई ये वाला एंगल निकालना है, इस एंगल को भी मैंने मान लिया ए एंगल है ये, तो अब जरा करना, तो थीटा प्लस ए प्लस 90, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस ए इज इक्वल टू कितना आता है? 90 डिग्री। भाई इसको माइनस कर लिया, ये इक्वेशन कितनी है? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। या मैं यहां से क्या ले सकता हूँ, ए को मैं क्या ले सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। भाई ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब तुझे पता है इस लाइन पर ये कैसा है? ये 90 डिग्री बना रहा है। भाई ये 90 डिग्री तो बना रहा है, तो ये इस प्लेन पर ये कैसा है? 90 डिग्री। तो ए प्लस अल्फा ये दोनों मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं? अभी कितना बना रहे हैं? ए प्लस अल्फा दोनों मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। अगर मैं ए की वैल्यू यहां रखता हूं तो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना आता है? 90। 90 से 90 का इस माइनस को उधर उठा के ले जाओ तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो ये वाला एंगल एक्चुअली कितना एंगल है? तो आंसर है ये एंगल उतना ही एंगल है जितना एंगल इसने बनाया, और इसने कितना एंगल बनाया यहां पर? दिस इज एंगल थीटा। और इसको हम इस तरह से भी ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं कि देखिए इस लाइन पर ये एक लाइन है, दिस इज द लाइन ग्रीन वाली, इस लाइन पर ये कैसा है? ये परपेंडिकुलर है। भाई इस लाइन पर ये कैसा है? परपेंडिकुलर। इस लाइन पर, इस वाली लाइन पर ये कैसा है? ये परपेंडिकुलर है। तो भाई हमें ये थ्योरम पता है कि जो एंगल दो लाइनों के बीच में बनेगा, ये सिंगल वाली दो लाइन है, तो जो एंगल इन दो लाइनों के बीच में बनता है वही एंगल इन दोनों लाइनों पर जो परपेंडिकुलर होता है, दोनों लाइनों पर जो परपेंडिकुलर होता है उन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में बनता है। बात समझ में? तो जो एंगल फिर से इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल दो लाइनों के बीच में बनता है वही एंगल इन दोनों लाइनों पर
इन दोनों लाइनों पर जो परपेंडिकुलर है उनके बीच में बनता है, इसे फिजिक्स में हमेशा थंब रूल बना के याद करके रखना। अब आगे देखिए, तो इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इसमें डायरेक्ट कि भाई हमें ये निकालना है ये कंपोनेंट कितना है, तो हमें पता है अगर ये कितना कंपोनेंट है, mg है, और ये mg का इफेक्ट मुझे इस डायरेक्शन के अलोंग निकालना है, तो हमारी नॉलेज ये कहती है कि इस वाले वेक्टर का इफेक्ट अगर मुझे इस कंपोनेंट के अलोंग निकालना है और ये इस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो पक्का इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, mg cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता तो वो इसके साथ इफेक्ट कितना आ गया, mg sin थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स बन रही है कितनी, mg sin थीटा, जिसकी वजह से ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब हम मोशन इन लॉज ऑफ मोशन में दोबारा वापसी करेंगे, वापस आएंगे, तो हम ये देखेंगे कि उसमें ये वाले मोशन, ये वाले जो मोशन इन इंक्लाइन प्लेन जब आएगा, तो हमें हमेशा देखना है कि जब मोशन इन इंक्लाइन प्लेन निकालना होगा तो ऐसा एक ये बनाना है इंक्लाइन प्लेन, और हमेशा फटाफट एक बॉडी को यहाँ रखना है, और ये एम जी साइन थीटा इधर काम करेगा, एम जी कोस थीटा इधर, एम जी नीचे, इसे एक नज़र में देख के बताना है। तो हम इसको किस में यूज़ करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में यूज़ करेंगे। अब आगे देखिए, उसके बाद अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज सपोज टू बी एन इंक्लाइन प्लेन, और ये इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, और मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर एक बॉडी रखी है, दिस इज सपोज टू बी ए बॉडी, इस बॉडी का जो मास है वो है 2 kg का, और इसका ये मास 2 kg का, तो इस पर ग्रेविटी एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है कितनी, mg की। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप मुझे बता सकते हो इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है इस बॉडी पे, अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में इस बॉडी पर काम कर रही है कितना, 1 newton का, तो हम निकाल सकते हैं भाई, कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इसका एक कॉम्पोनेंट वेक्टर बनाएंगे। तो हमें बताएगी अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है mg, तो इसके फोर्स के 2 components बनते हैं, एक इस डायरेक्शन बनेगा और एक इस डायरेक्शन बनेगा, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, 60, तो इस वाले वेक्टर का इफेक्ट अगर मुझे इस डायरेक्शन में निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में निकालना है तो क्या लिखूंगा, mg sin थीटा। तो मुझे इस डायरेक्शन की अगर फोर्स को कैलकुलेट करना है तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, mg, और एंगल कितना बन रहा है, sin 60, और हमें मास कितना दिया हुआ है, 2 kg का, और g की वैल्यू कितनी है, 9.8, कैलकुलेशन के लिए 10 लिख लिया, और sin 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, इस पे 10 newton की फोर्स लग रही है, कितनी, 10 newton की। तो इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कितना है, 10 newton का, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना काम कर रही है, 1 newton का। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स, तो हम बता सकते हैं कि एफ नेट फोर्स हमारी होगी 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 newton, तो 9 newton किधर काम करेगी, जिधर 10 newton काम कर रही है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उस डायरेक्शन में काम करता है, तो ये वाली बॉडी 9 newton के नेट फोर्स से मूव करेगी। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस बॉडी पर नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स होती है जो टोटल फोर्स है इस पे, 10 इधर लगा 1 इधर लगा, तो नेट फोर्स कितनी है, 9। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता कि इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना है, तो हम बताएंगे कितना, 10 newton। तो 10 newton इस वाले वेक्टर का, इस mg का इफेक्ट है इस डायरेक्शन में, लेकिन इस बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रही है जिससे वो मूव कर रहा है वो ना तो 10 है ना 1 है, कितना है, 9 newton का फोर्स है। तो ये 9 newton की फोर्स से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है बेटे, इसको अच्छे से करके आइएगा। थैंक यू वेरी मच।